तो नमस्कार फ्रेंड, इस टेक्निकल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम जानने वाले कि गाइस आपने मोबाइल में महिंद्रा एप्लीकेशन पर अपने बैंक का अकाउंट डिटेल्स कैसे ऐड कर सकते हैं। जी हां गाइस, आपने मोबाइल में महिंद्रा एप्लीकेशन पर अपना बैंक अकाउंट ऐड कैसे कर सकते हैं। सिंपल गाइस, जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर देना। सिंपल गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस, आपको अपने मोबाइल में महिंद्रा एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होता है। ओपन करते गाइस हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहां पर नीचे की साइड में एक प्रोफाइल ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर हमें सिंपल गाइस क्लिक कर देना होता है। सिंपल गाइस, मैं यहाँ पर प्रोफाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करते गाइस हमें यहाँ पर देखिए हमारी प्रोफाइल ओपन होकर आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, जैसे गाइस हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की साइड आते हो और यहाँ पर देखिए गाइस हमें कोई भी बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करने का कोई भी ऑप्शन यहाँ पर शो नहीं करता है गाइस। तो सिंपल गाइस, हम अपना बैंक का डिटेल्स यहाँ पर ऐड कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए गाइस हमें यहाँ पर हमारे बैंक का डिटेल्स तो ऐड करने का कोई भी ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर गाइस हमें एक सेव्ड कार्ड का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर गाइस आप ना एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड करके इस यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो सिंपल गाइस हमें यहाँ पर सेव्ड कार्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। सिंपल गाइस, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करते गाइस हमारे सामने यहाँ पर देखिए इस ऐड कार्ड का फिर से एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस पर हमें सिंपल गाइस क्लिक कर देना होता है। तो सिंपल गाइस, मैं यहाँ पर ऐड कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करते गाइस हमारे सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर गाइस हमें अपने एटीएम कार्ड की पूरी डिटेल्स को यहाँ पर फिलअप कर देना होता है। जैसे ही गाइस आपने एटीएम कार्ड की पूरी डिटेल्स को यहाँ पर फिलअप करेंगे, फिर हमें यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। जैसे ही गाइस आप इस पर क्लिक करेंगे तो गाइस आपके एटीएम कार्ड की पूरी डिटेल्स यहाँ पर सेव हो जाएगी। फिर आप कोई भी परचेजिंग करेंगे तो गाइस आप एक ही क्लिक में अपना पेमेंट जो है वो कर सकते हैं गाइस। तो इस तरह से गाइस आपने महिंद्रा एप्लीकेशन पर अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं गाइस। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए गाइस, ताकि गाइस आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करे। थैंक यू गाइस।